अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने बनाया है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरी ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पत्ता गोभी लिया है, जिसे आपको इस तरीके से बारीक कट कर लेनी है। आलू लिया है दो मीडियम साइज़ के, जिसे आपको इस तरीके से पीसेस में कट कर लेनी है, ये देखिए। और लिया है 6-7 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और हरी मिर्च लिया है 3। लहसुन और अदरक को आपको पेस्ट बना लेनी है। तो गैस हमने ऑन कर लिया, और एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई हमारी जैसे ही गर्म हो जाएगी, हम यहाँ पर दे देंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमने ऑयल दे दिया 2 चम्मच के करीब, यहाँ पर हमने ऑयल का यूज़ किया है। अब यहाँ पर हमने पत्ता गोभी को दे देनी है। एक बार हम इसे मिला देंगे इस तरीके से। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो गए ये हमारी, और हमारी पत्ता गोभी जो है वो थोड़ी देखिए पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसका कच्चापन जो है वो निकल गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम दे देंगे कढ़ाई पे फिर से थोड़ा सा ऑयल। अब हम आलू को इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो सभी आलू को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेनी है। 2-3 मिनट हम आलू को अच्छे तरीके से हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो आलू हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम आलू को निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। थोड़ा सा ऑयल हमने फिर से ले लेनी है, ये देखिए 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर सब्ज़ी के लिए। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर दे देंगे थोड़ा सा जीरा। तो जीरा को हम थोड़ा चटकने देंगे। अब हम इसमें दे देंगे हरी मिर्च, इस तरीके से हरी मिर्च 2 काट के हमें दे देनी है। अब हम इसमें दे देंगे हमारी लहसुन और अदरक, इस तरीके से लहसुन अदरक को आपको पेस्ट कर लेनी है। जैसे ही लहसुन अदरक की कच्चापन हमारी निकल जाए, ये देखिए, अब हम इसमें सूखे मसाले कुछ ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देनी है। मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। थोड़ा सा हमने काली मिर्च दे देनी है 1/4 टेबलस्पून के करीब। अब हम पानी दे देंगे थोड़ा सा, और मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे, जब तक मसाले से ऑयल ना निकल के आ जाए। तो देखिए, ये मसाला जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और मसाले से ऑयल भी निकल के आ गई है। अब हम पत्ता गोभी को दे देंगे इसमें, और आलू को भी दे देंगे मसाले के साथ। अच्छे तरीके से इसे मिला देंगे। अब हम इसमें दे देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा पानी दे देंगे इसमें। अब हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे।
या फिर तब तक पकाएंगे जब तक आलू हमारी गल ना जाए। सो 10 मिनट हो गई है हमारी और ये देखिए सब्जी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के हमने दे देनी है। अब सब्जी जो है वो देखिए इस तरीके से आपको मिला देनी है, थोड़ा सा सब्जी को भून लेनी है। तो इस तरीके से 2-3 मिनट आपको सब्जी को फ्राई कर लेनी है। देखिए आलू भी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। बहुत ही सिंपल एक रेसिपी है दोस्तों, आप एक बार अपने घर में ट्राई कर सकते हो। तो हमारी आलू पत्ता गोभी की सब्जी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप रोटी पराठा पूरी वगैरह किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये गरम गरम खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। इस तरीके से आप भी अपने घर में एक बार बना के देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल आलू पत्ता गोभी की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू मेरे साथ इतने टाइम बिताने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने आऊँगी।